तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस बार हम बताने वाले हैं आपको ट्यूटोरियल्स। तो ट्यूटोरियल में हम बनाने वाले हैं बोन मिल फार्म सबसे इजी वाला। तो मेरा दोस्त भी मेरे साथ है आज, उसका नाम है अथर्व। तो चालू करेंगे। चलो अथर्व, क्या कर रहे हो आज? बोन मिल फार्म बनाना है। चलो उसके लिए हमें लगेंगे वाटर बकेट्स, फिर हमें लगेगा। अरे मारा क्यों? ये गलती से लग गया। हाँ, पहले मैं आपको बता दूंगा एरिया का। एरिया आप देख सकते हैं, 9x8 का एरिया लेना है आपको। वॉल मतलब वॉल का यूज करके 9x8 का एरिया लेना है। तो एकदम देखो आप सब, इधर अंदर एक और बाहर दो वाला है। उधर चेस्ट कलेक्टिंग रूम बनेगा अपना, वहां पे बोन मिल सारे कलेक्ट होंगे। तो स्टार्ट करेंगे। अरे पहले आर्मर पहन लेते, रात हो गए और झांबे बिम्बे आ गए। तो चलो आर्मर पहनेंगे आज। हमने आर्मर बना लिया है, आर्मर पहन लेंगे, शील्ड भी पहन लेंगे हम। पिस्टन डोर में हमने रखा है। अथर्व, खोए है क्या आपके पास? हाँ है मेरे पास। चलो फिर जल्दी खोलो, जल्दी आपके शुभ हाथों से खोलेंगे हम दरवाजा। जल्दी खोलो। तो पहले शील्ड ले लेंगे। ओ सारा टूट गया। अरे मेरे भी शील्ड निकाल लो। तुम निकाल लो, मैं इधर मेरा काम कर रहा हूँ। मैं इधर मेरा आर्मर पहन रहा हूँ, तब तक तुम भी, मैं आर्मर स्टैंड वापस लगा दे रहा हूँ। अरे मेरा भी निकल गया। अरे मैंने ले लिया होगा। हाँ ये लो। अरे मेरी शील्ड मैंने ले ली थी। चलो जल्दी चलो। अरे रुको, मेरे लिए मैं फंस गया इधर। आ जाओ तुम, पहले हम बना लेंगे बाहर का एरिया। तुम फार्म बना, तब तक मैं हमारा ऑटोमेटिक फार्म चलते रहते चालू कर दो। आपको देखना है क्या? नहीं देखना, जाने दो फिर। आप दिखाते थोड़ी हो मेरे को। चलो पहले बना लेता हूँ ये, इसकी वॉल बना लेनी है। इधर इस फार्म में हम बोन मिल भी कलेक्ट होगा। और पिकेक्स है क्या अथर्व? हाँ ये तोड़ दो ना ब्लॉक। इस फार्म में बोन मिल भी कलेक्ट होगा और कैक्टस भी कलेक्ट होगा। तो पहले हमें कर लेना है अपना वाटर सोर्स रेडी कर लेना है। वाटर सोर्स अनलिमिटेड इधर वॉल बना बना लेना है। वॉल बनाओ तब तक। वॉल हाँ, एक एक लेयर और बना दो, पर आगे से मत बनाना, आगे कांच आएगी। आगे का पूरा मत बनाना। मैं इधर पहले वाटर बकेट से ये कर लेता हूँ और फिर इधर वाटर बकेट डाल देता हूँ दो कॉर्नर में, जिससे हमारा एरिया सारे चीजें हॉपर में कलेक्ट हो जाएंगे। ये देखो बराबर किया क्या मैंने? क्या ये देखो बराबर बने के बोल? ये इस ये आगे वाली साइड है, वैसे आगे वाली साइड है। हाँ अच्छा, तो फिर हमें कैक्टी के लिए हमें स्टैंड लगानी पड़ेगी, एक इधर एक इधर और एक मिडल में। अरे पेंस लाई आपने? फेंस की जरूरत नहीं है इसके लिए। हाँ फेंस फेंस लानी भूल गया मैं, शेट फेंस की जरूरत है इसके लिए। ओह शेट मैं भूल गया। तो सारा कलेक्टिंग पॉइंट हमारा इधर होगा, इधर हॉपर आएगा। तो फिर इधर हमारा एक अलग और एक कलेक्टिंग पॉइंट रहेगा। इधर पिकेक्स से तोड़ दो ना अथर्व, मेरे को पिकेक्स दे दो पहले। पहले ये लो तोड़ दिया, ये लो पकड़ो, मेरे को दे दो पिकेक्स। मैं पिकेक्स लाना ही भूल गया एंड वक्त पे। वो ऊपर देखो कैक्टस लगाओ, मैं तब तक क्या नंबर लगाओ? पहले कैक्टस लगा लो, फिर उसके ऊपर फेंस तुम्हें पता है ना कैसे लगानी है? हाँ। मेरे रुको मैं ही लगा देता हूँ। एक कैक्टस का स्टैग लेके आता हूँ मैं।
हाँ वो अपने फार्म में ही है, इधर फार्म अपना वो अपना फार्म रखा है ना, उधर ही रखा है मैंने। तो फिर पहले इधर हॉपर आएगा, फिर इधर आएगा हमारा कंपोस्टर, और फिर वापस एक हॉपर आएगा। तो पहले हम इधर से वापस डिक कर लेंगे, जहाँ से हम अपना चेस्ट में से सामान कलेक्ट करेंगे। मैं 2 मिनट में आता हूँ। हाँ आ जा। तो इधर आएगा हमारा एक चेस्ट, जहाँ पे हमारा बोन मील कलेक्ट होगा। फिर 3 हॉपर लगेंगे, इधर 2 हॉपर यूज होंगे। ऐसे हॉपर उस साइड फेसिंग होना चाहिए जहाँ पे चेस्ट में कलेक्ट होगा। फिर उसके ऊपर आएगा कंपोजर, फिर उसके ऊपर वापस एक आएगा हॉपर। लगाओ मेरे को आती लगाते। हाँ लगाओ, मैं उनको दिखाता हूँ फिर कैसे कैसे लगाने की। देख सकते हैं आप, वो दोनों के मिडल में आनी चाहिए फेंस, जिससे कलेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं, जिससे ऊपर का कैप्टी नीचे आ जाएगा टूट के। वो मेरे को लग गया, कैप्टी ने मेरे को काटा। तो हम तब तक पीछे के बैक साइड का बना लेंगे। बैक साइड में भी वही होगा, बैक साइड में बस कैक्टी कैक्टी कलेक्ट होंगी, और इस साइड में, अरे भाई कैक्टी काट रही है मेरे को। और इधर आप साइन लगा दीजिएगा, जिससे इधर पानी नहीं आएगा। अरे कंपोस्टर कहाँ पे लगा है फिर अपने? कंपोस्टर वो हॉपर के नीचे आता है। अच्छा, वो कैक्टी वापस काट रही है, वापस काट रही है कैक्टी ये भी ना। हाँ यार, तो फिर ग्रोथ की स्पीड बहुत कम है यार पर। हाँ उसके लिए मैं आपको एक ये बताऊंगा, क्या बोलते हैं उसे, ट्रिक चीट बताऊंगा, जिससे आप अपना टाइम फास्ट कर सकते हैं। तो इधर ये लगा देने का है, और इसके ऊपर आप लगा दीजिएगा कांच, जिससे ये चेस्ट खुल पाएगा। अरे इधर का चेस्ट नहीं खुल रहा। चलो पहले सो जाते हैं, रात हो गई है, मेरे को ज़ॉम्बी से भी डर लगता है। ओ ओए मेरे को काट रही कैक्टस। चलो सो जा तू पहले। जल्दी आ जाओ जल्दी। फिर हमारा रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। चलो जल्दी। फिर हम आप इसको ऊपर भी हाइट में भी लेके जा सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा बोन मील मिलेगा। तो फिर हमने इधर लगा दिया है, इधर एक यहाँ दिया है कोबलस्टोन। और फिर आगे भी आगे बोन मिलाना शुरू हो जाएंगे, इसको थोड़ी देर लगेगी। फिर तब तक आप इधर ग्लास लगा सकते हैं। इधर भी ग्लास लगाओ एक। हाँ हाँ, वो चेस्ट ओपन नहीं हो रहा क्या? नहीं। हाँ लगा दो, इधर आप ग्लास लगा देना, जिससे आप ये कर सको, चेस्ट को ओपन कर सको। वो मैं ऊपर नहीं चढ़ पा रहा हूँ, देखो सैंड का इस्तेमाल करेंगे हम। ये बहुत बेसिक्स है। अरे यार मेरे को अंदर आ गए, मेरे पास खुद निकला अभी कहाँ से। तो भी तो यहाँ से हम इसके ऊपर आप कवर भी कर सकते हैं इसको। अभी मैं तुमको कवर करना दिखाता हूँ। आप पहले इसी एक और एक लेयर बना लो, जिससे आप ये कर सको। ऊपर ऐसे ऊपर 2 लेयर बनानी है। बाहर निकलने की कोशिश करो अभी आप। इधर से रास्ता नहीं मिल रहा, तोड़ दो ये। देखो हाँ तोड़ो जल्दी। अरे फेंस क्यों लगा दिया, बाद में तोड़ दो। अरे मेरे को चढ़ते दो तो। ये एरिया उसको वापस और एक बार इंक्रीज कर लो। अरे यार किधर से भी तो रास्ता दो मेरे को। अरे ग्लास के ऊपर से आ जाओ ना तुम।
तो ऐसा तैयार होने के बाद ना आप इधर लगा सकते हैं, नहीं सॉरी इधर आप ग्लास लगाने हैं, क्योंकि ग्लास से इसको सनलाइट पहुंचेगी और फिर ये ग्रोथ में अच्छा काम करेगा। इधर इसको आप फुल कवर कर लीजिएगा ग्लास से, और इसके ऊपर आप दूसरा कंपोनेंट भी बना सकते हैं। अरे मैं फिर से फंस गया, अभी आ जाओ कैसे भी करके, उस साइड से आओ जल्दी। किस साइड से? वो वाले बाजू से। कौन से वाले बाजू से? अरे वो वाले बाजू से जीता। अरे तुमने ग्लास तोड़ दिया, उधर एक ग्लास लगा दिया सर को, फिर आप सर को हाँ लगा दिया, बोनस आप मिलेगा। अरे वो बोन मिल, हाँ वो स्पीड बढ़ा देंगे, पहले उनको कवरिंग का बता देंगे, फिर लास्ट तो जरूर देखना आपको मैं बता दूंगा कि इस चीट यूज करने के लिए आपको वर्ल्ड में चीट ऑन होनी चाहिए, तो उसका भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप ऑफ चीट्स में भी ऑन कर सकेंगे। तो फिर आपका हो गया है ना, तो आप इधर से उतर जाइए, तो हमारा फार्म तैयार हो चुका है। फिर इसके ऊपर अगर आप, मैं अभी बताने वाला हूँ आपको चिट्स यूज करने के लिए, पहले अगर आपकी वर्ल्ड चिट्स ऑफ में हो गए तो ओपन टू लैंड कर दिएगा, ओपन टू लैंड करने का, फिर उधर ऑन चिट्स दबाने का और स्टार्ट लैंड वर्ल्ड दबा देना, तो जिससे आपकी चिट्स ऑन हो जाएगी। और फिर आप डालो, अगर आपके पहले से ऑन है तो स्लैश दबाओ, फिर डालो गेम रूल, फिर डालो रैंडम टिक स्पीड, और आप जितने ज्यादा नंबर्स लेंगे, पर सबसे ज्यादा भी नंबर नहीं लेना जिससे आपका ग्रो नहीं होगा। मैं लेता हूँ जैसे कि 1000, तो ये जल्दी ग्रो होना चालू कर देंगे, देख सकते हैं आप। और ये फार्म आपको बाद थोड़ी देर बाद में भी वर्क, आप जगह आप दूर रहे ना फिर भी काम करेगा। तो अरे नहीं कलेक्ट हो रहे चेस्ट में, वो हो जाएंगे थोड़ी देर बाद होगी। और पीछे के इसमें क्या कलेक्ट होता है? पीछे के इसमें कैप्टस ग्रो होगा, कैप्टस मिलेगा उधर पीछे के इसमें। अच्छा कैप्टस होना शुरू हो जाएंगे लगता है, हो रहे होंगे, देखो 3 हो गए। पर आगे बोन मिल आना चाहिए ना? हाँ आगे बोन मिल कब आएगा? वो आया होगा, देखो एक आ गया, एक आ गया। हाँ आप जितना ऊपर फ्लोर्स का बनाएंगे उतना आपको फास्ट बोन मिल मिलेगा, इसलिए हम बाद में बहुत ऊपर वाला बनाने वाले हैं, यानी 3 लेयर वाला नहीं 5 लेयर वाला, तो आप आगे की वीडियो देखते रहना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।